अब तक आपने देखा कि लैब्राडोर पपी को रेस कैसे करते हैं, लेकिन अभी भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि लैब्राडोर कितने कलर्स में आते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो लैब्राडोर दिखा के बोलते हैं कि ये ब्लू कलर का है, रेड कलर का है, अलग अलग कलर्स लेके आते हैं और कहते हैं कि प्योर ब्रीड लैब्राडोर है। लेकिन आज हम बात करेंगे लैब्राडोर के सिर्फ और सिर्फ कलर्स के बारे में। फर्स्ट कलर येलो। येलो कलर जो होता है लैब्राडोर का एक स्टैंडर्ड कलर है, लेकिन इसमें भी कई वेरिएशंस आते हैं। येलो हम ऑफ व्हाइट को भी कहते हैं। ऑफ व्हाइट मतलब सैंड कलर। इसमें कई कलर्स आते हैं, फॉक्स रेड भी आता है जिसको भी हम येलो में लेते हैं। कई बार हम मस्टर्ड कलर को भी, मस्टर्ड कलर के लैब्स जो होते हैं उनको भी हम येलो कहते हैं। येलो कलर के जो लैब्स होते हैं वो बहुत ही शांत होते हैं, बहुत ही डोसाइल होते हैं, क्योंकि बाकी कलर से कंपेयर में येलो कलर बहुत ही सबमिसिव कलर है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कलर की तरफ, दैट इज ब्राउन। ब्राउन कलर तीन वेरिएशंस में आते हैं, जो कि होता है चॉकलेट, डार्क चॉकलेट या फिर लाइट चॉकलेट। इसके अंदर जो कलर होता है वो बिल्कुल डेयरी मिल्क जैसा होता है, कैडबरी जैसा होता है, जिसके अंदर लैब्राडोर जो होगा एक चॉकलेट पीस जैसा लगेगा। लेकिन इस कलर को ढूंढना बहुत ही रेयर है। कई बार हम सोचते हैं कि ब्लैक लैब को येलो लैब से क्रॉस करा दे तो चॉकलेट कलर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अलग अलग लैब्स को भी क्रॉस कराएंगे तब भी ब्राउन कलर आना रेयर है। ये सिर्फ एक जेनेटिक से आता है। कई बार जब एल्बाइनो जीन या फिर मेलामिन जीन जो होते हैं इनके ऊपर नीचे होने से ये पिगमेंटेशन आती है, जिसकी वजह से चॉकलेट लैब के जो नोज होते हैं वो ज्यादातर पिंक होता है और आईलिड्स भी जो होते हैं वो थोड़ा सा लाइट कलर के होते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे कलर की तरफ, दैट इज ब्लैक, द मोस्ट डोमिनेंट कलर। इस कलर को आर्म फोर्सेस में बहुत पसंद किया जाता है, पुलिस वर्क में बहुत पसंद किया जाता है, इवन यूएस में हंटिंग के लिए काफी यूज किया जाता है। कारण एक तो ये कलर कैमोफ्लेज के लिए बहुत अच्छा है, कैमोफ्लेज मतलब कहीं भी घुलने मिलने के लिए। दूसरा, इस कलर का मतलब है डोमिनेंस। ब्लैक कलर जो होता है नेचुरल वर्ल्ड में या हमारे जो मदर अर्थ है वो ब्लैक कलर को इसलिए इजाद किया है कि ये साइन होता है अल्फानेस का, डोमिनेंट का। इसकी जो एनर्जी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत हाई ड्राइव होती है, और इस कलर के जो लैब्राडोर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, मैं एग्रेसिव नहीं बोलूंगा लेकिन हाई एनर्जी वाले होते हैं। सो अगर आप एक ब्लैक लैब लेके आ रहे हैं, मेक श्योर करिए कि उसको इन दोनों कलर से ज्यादा वर्कआउट दीजिए। अब आते हैं चौथे कलर में, दैट इज सिल्वर। सिल्वर इज अ वेरी रेयर कलर, इंडिया में तो है ही नहीं। इस कलर को बनाने के लिए जहां तक मुझे लगता है वॉमन एयर को लैब के साथ क्रॉस करके क्रिएट किया होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कलर आया कहां से है। कई बार इन जेनेटिक्स में दिक्कत भी आती है। यूएस में ज्यादातर सिल्वर लैब्स जो है 5 साल की एज से पहले मर जाते हैं। सो मेक श्योर करें अगर आप सिल्वर लैब आपको कोई दे रहा है, इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है और बाहर से इम्पोर्ट करा लें, तो इसकी जो लाइन है वो देख लीजिए और इसके जेनेटिक्स देख लीजिए कि वो इससे बीमारी है या नहीं है। अब आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट पे, दैट इज मल्टी कलर। कई बार लैब्राडोर्स जो होते हैं वो ट्राई कलर में निकल आते हैं, या फिर ब्लैक कलर का होता है उसके पॉ पे व्हाइट मार्क होता है। ये सब जेनेटिक्स का खेल है, और ये चीज के तौर पे अगर हम डिस्टिंग्विश करें कि हमारा लैब जो है वो प्योर ब्रीड है या नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, डॉग शोज में ये कलर्स बैन है, ट्राई कलर्स, डुअल कलर्स, लेकिन प्योर ब्रीड लैब्स में भी अलग अलग कलर्स आते हैं। जैसे कभी ब्लैक एंड टैन आ जाता है, ट्राई कलर आता है, व्हाइट, येलो, ब्लैक आ जाता है, ब्राउन आ जाता है। तो ये जो मिक्सचर है ये बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स ही होता है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कलर्स के ऊपर, ये कलर्स आते कैसे हैं। ये कलर्स टोटली नेचुरल सिलेक्शन से आते हैं। अगर आप ब्लैक लैब को ब्लैक के साथ करेंगे तब भी व्हाइट बच्चे हो सकते हैं, ब्लैक को येलो के साथ करेंगे तब भी येलो बच्चे आ सकते हैं प्योर, और अगर आप ब्राउन एंड ब्लैक को कर रहे हैं तब भी सिर्फ ब्लैक बच्चे आ सकते हैं। इसके अंदर कोई गारंटी नहीं है कि कौन से कलर का बच्चा कब निकलेगा। ये सारा और सारा खेल जेनेटिक्स का है। तो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, और लास्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी आ रही है।